जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में कैसे हालात से दो चार थे और जिस तबके को पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंसानों के लिए नमूना बनाना था, अरब के हजरात जो सहाबा किराम बने, उनके मुल्क का क्या हाल था। जो हजरात सीरत पढ़ते हैं, तारीख का मुताला करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह एहसास होगा उसको। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि बस ये कहा जा सकता है कि गाड़ी सड़क से उतर गई थी और हर चीज अपने मदार से हिल गई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ढंग से, किस तरीके से मेहनत फरमाई, हर चीज को अपने मकाम पर वापस लाया, हर एक को उसका हक दिलाया। हजरत मौलाना मुफ्ती फरीद साहब जिद मजबूर ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का क्या अंदाज था। आपने बच्चों की कैसी तरबियत फरमाई जिससे वो बड़ों का अदब और एहतराम करने वाले बन गए, औलाद माँ बाप का हक पहचानने वाली बन गई, और आपने बड़ों की कैसी तरबियत फरमाई कि वो औलाद के हुकूक अदा करने वाले बन गए। आपने पड़ोसी की कैसी तरबियत फरमाई जिसने अपने पड़ोसी के हुकूक अदा किए। ये बहुत वसी मजमून है और उसके लिए वक्त भी काफी सारा चाहिए। बहुत मोटी चंद बातें आज करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कुछ ऐसे आदाब उसूल से मुतारफ कराया जो इंसानों के जहन में तब तक से ना आ गए। इंसानों की कैसी तरबियत फरमाई, सिर्फ कलमा पढ़ने वाले उन आदाब को समझते हैं, बाकी दुनिया उससे मुतारफ नहीं है। अगर कि दुनिया उसकी जरूरत महसूस करती है। मैं चंद बातें आज करता हूँ। किसी दीन और मजहब में ये बयान किया जाए कि बीमार की तीमारदारी करने पर इतना सवाब मिलेगा कि आदमी जब तक वहां से वापस आता, घर पहुंचता, तब तक वो ऐसा होगा जैसे जन्नत की क्यारियों में टहल रहा है। कहीं नहीं आप मिल सकता है। बीमार का हक बयान किया गया और बीमार के पास आदमी जाए, वहां कितनी देर ठहरे, उसका हक बयान किया गया। इतने बीमारों से आप मालूम कर सकते हैं, उनके ईमानदार उनके पास जाते हैं, वो अपनी बीमारी से इतने परेशान हैं जितना ईमानदारों से परेशान। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया, बीमार के पास जाओ थोड़ी देर, ज्यादा देर ना। बीमार के पास जाए हम क्या कहें उसको, उसकी खैरियत कैसे मालूम करें। आज का बहुत अच्छा तरीका है कि उसको इतना डराएं कि जान तो जा रही है लेकिन जाते जाते कम से कम माल भी हमको देकर दे जाए। और हर हॉस्पिटल का ये निजाम कि जो एक मरता हमारे हॉस्पिटल की गेट से एंट्री कर ले, वो 50,000 बगैर बाहर बाहर कर सके। हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बीमार का हक बयान फरमाया, फरमाया अगर आप बीमार ईमानदारी करने गए और आपको मालूम है बीमारी अक्सर में आप ये चंद लम्हों का मेहमान है, उसके बावजूद उसकी हौसला अफजाई करो, उसके दिल को खुश करो, उसको वो क्या आपका चेहरा तो माशाल्लाह बड़ा मुबारक, आपका चेहरा खिलखिला रहा है, आप तो बीमार नहीं मालूम हो रहे, बीमार का हक बयान। आज ये कहा जाता है कि मकान जब आप बनाए तो दूसरे मकान से कितना फासला रखें, आग के लिए, हवा के लिए, फायर फायर क्या क्या उसके नाम दिए गए, और रखता कौन है वो सबको मालूम है, वो सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं कि उसके नाम से चंद लोगों की जेबें भरती रहे और उस नाम पर कुछ लोगों को सताया जाता रहे और पैसे मिले तो फिर वो सड़कें भी खुद ब खुद बिछाता हो जाए और वो गैप भी खुद ब खुद पैदा हो जाए, बेशक दीवार आपको मिली हुई नजर आए मगर वो खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाता है। 1450 साल पहले आपने फरमाया अगर आपको मकान बनाना है तो पहले आप देखोगे आपके पड़ोसी की हवा तो नहीं इससे बंद हो रही है, आपके पड़ोसी के पर्दे में कोई इससे खलल तो नहीं आ रही है, उसकी जो प्राइवेट जिंदगी है प्राइवेसी है उसकी अपनी जिंदगी वो तो इससे मुतासिर नहीं हो रही है। और सही रिवायत में फरमाया कम से कम 7 हाथ का फासला रखा के बनाओ, कल ऐसे ना हो कि तुम्हारे घर की परेशानी से वो मुतासिर हो जाए, तुम्हारे घर की कोई बदबू, तुम्हारे घर का धुआं, तुम्हारे घर की परेशानी और कम से कम उसको हवा का बंद हो जाना, ऐसा ना हो जाए। ये इस्लाम ने बयान किया, अल्लाह के हबीब ने बयान किया, आज तक कोई सोच नहीं सकता इस हक के शुफा आज भी सिर्फ इस्लाम में है और दुनिया के मुख्तलिफ कवानीन जो हकीकत में अलग अलग लोगों के कानून नहीं है, जो कानून के माहिर समझते हैं ये सब रोमन लॉ है, अलबत्ता वो हर मुल्क ने 2-4 बातें इसमें ऐड करके अपने लोग का उसको कानून कह दिया, वरना सबका मजमूई नुस्खा एक ही है रोमन लॉ, उसके अंदर हक के शुफा कि आप अपना मकान, अपना प्लाट, अपना खेत, कोई चीज बेचना चाहते हैं आप अपने पड़ोसी को पूछे बगैर नहीं बेच सकते, और फिर उसकी तफसील कि किस किस को हक के शुफा मिलेगा, जिसकी और आपकी गली एक है, आपके मकान का पानी और उसके मकान का पानी एक तरफ निकलता है, पड़ोसियों के हुकूक बयान की ये तरबियत नहीं तो क्या है, और तरबियत के पहलू में आप इतने आगे गए, इतने आगे, इतने आगे बढ़े कि हम आज सोच ही नहीं सकते कि आपने किस तरह तरबियत फरमाई। एक गैर मुस्लिम प्रोफेसर राम प्रसाद उपाध्याय ने लिखा, ये मुझे मालूम नहीं कि उसको ईमान नसीब हुआ कि नहीं, अब इंतकाल तो हो गया है, वल्लाह वालम, ये अंबाला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे राम प्रसाद उपाध्याय, उनकी किताब मैंने पढ़ी उसमें लिखा कि पैगंबर इस्लाम के अल्फाज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैगंबर होने के लिए कोई और सबूत और मौजजा न पेश करते तो इतना ही मौजजा काफी था कि आपके घर में 9 बीवियां और सब की सब आपसे खुश और सब की सब आपस में एक दूसरे से खुश, किसी को किसी से गिला नहीं, उसके अल्फाज में ये कम से कम इंसानों में ऐसा हो जाए ये मुमकिन नहीं लगता है, ये सिर्फ आप ही के घर में हुआ मगर उसका निजाम क्या है, अल्लाह हू अकबर, कैसे तरबियत करते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का जुमला बार बार नकल कर रहे हैं, साहबा ने हमसे पूछा कि हमने तो आपकी बैरूने दर की जिंदगी देखी है, दुरूने खाना जिंदगी आपकी क्या थी वो बताइए, आपने पढ़ा कुरान को कानो कुरान, आपके अखलाक हुए थे जो कुरान था, जो कुछ कुरान में आप सुन रहे हो इंसान कैसा होना चाहिए वो सब कुछ आपने अपने घर के अंदर करके दिखाया, मसलन आप तहज्जुद के लिए उठते हैं तो किसी को तकलीफ ना हो, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है आप उठे तो कैसे उठे तुम्हारा अहिंसा से और जूता पहना अहिंसा से और दरवाजा खोला अहिंसा से, और एक रिवायत ये भी ये मुस्लिम शरीफ में नहीं दूसरी रिवायत कि इस तरह अहिंसा से आप बाहर निकले ऐसे पैर उठा रहे थे जैसे बिल्ली को शिकार करने जाती है अहिंसा से पैर रखती है कि उसको पता ना लग जाए, और ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि मुझे तकलीफ ना हो जाए। आप भी उसी घर में
आप सुबह उठते हैं तहज्जुद के लिए और आपका मुकद्दस घर जिसकी आज पर कसमें खाई जा रही है, घर कैसा है, कितना तंग है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हैं तो सजदे के लिए वही जगह बचती है जहां हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पैर हैं, लेकिन उनकी हमेशा नमाज पढ़ने की हालत नहीं है। कभी नमाज पढ़ने की होती है, कभी नहीं होती है। जब उनके नमाज पढ़ने की हालत नहीं होती है तो हदीस में बहस चली कि वुजू करने के बाद अगर किसी का हाथ किसी खातून से लग जाए तो वुजू टूटा कि नहीं टूटा। उस मसले में उन्होंने बयान फरमाया कि आप जब सजदा करते थे तो जरा सा मेरे पांव को इशारा दे देते थे, मैं पैर पीछे कर लेते थे, आप सजदा फरमाते थे। आज कोई सोच सकता है कि घरवालों के साथ इस तरह आदमी पेश आए? अल्लाहु अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, क्योंकि मज़मून ये लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ एक मिसाल अर्ज करता हूँ। आपने इंसानों की कैसे तरबियत की? अल्लाहु अकबर। कोई सोच ही नहीं सकता है। आवाज कौन है? तो आपने कैसे तरबियत फरमाई बच्चों की? तरबियत बाहर से तशरीफ लाते हैं, वापस बच्चों से किस तरह प्यार फरमाते हैं? हदीस में है, हर बच्चा आपसे मिलने के लिए बेताब होता है, हर बच्चा आपके साथ सवारी पर बैठने के लिए बेताब होता है, और आप हर एक को अपने साथ खींचते हैं और ऐसा लगता है जैसे तोरी की बेल के साथ ना तोरियां लटक रही हैं, इस तरह आपके साथ बच्चे लटकते हैं। ऐसा क्या कान वाला तो यहूदी यहूदी अहदी का रसूल अल्लाह, आम बच्चे नहीं है, यहूदी बच्चा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम है, हुजूर की खिदमत करता है। हुजूर की खिदमत क्या थी? कभी मिसवाक रख देता होगा, हैं कभी लोटा भर देता होगा पानी का, इससे ज्यादा तो आपकी कोई खिदमत थी नहीं। बीमार हुए लड़का है, आपका मकाम देखो और बच्चा देखो, और वो भी अपना नहीं, अपने खानदान का नहीं, बदतरीन दुश्मन इस्लाम के यहूदी उनके घर का बच्चा है, लेकिन आप उसकी तीमारदारी के लिए खुशी उठे गए और उसकी तीमारदारी का फायदा हुआ। जब आप तशरीफ ले गए तो उस वक्त में उसकी जान निकल रही थी, आपने उसके चेहरे की तरफ देखा तो समझ गया कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, क्या फरमाना चाहते हैं। उसने अपने बाप की तरफ देखा, उसका बाप भी समझ गया कि बेटा क्या कहना चाहता है, मुझसे इजाजत ले रहा है। उसने कहा कि बेटे जब दोस्ती इनके साथ रखी है तो फिर कह दो जो ये कहते हैं, और अल्लाह ने उस वक्त उसको ईमान नसीब किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आप बाहर निकले तो अन्नहु यतलअअ, आपका चेहरा इस तरह चमक रहा था जैसे कि लग रहा था कि इसके ऊपर किसी ने अनार छिड़क दिया हो। यतलअअ, ऐसा आपका चेहरा जैसा कि हीरे और मोती चमकते, इस तरह चमक रहा था आपका चेहरा। और आप क्या फरमा रहे थे कि बंदा पहुंच गया था जहन्नम में, अल्लाह ने बस वहां से खींच लिया वापस, आखिरी वक्त में कलमा नसीब हो गया। अल्लाह हू अकबर। मैंने अर्ज किया खवातीन और अहलिया घर वालों के ताल्लुक से सबसे पहले झगड़े की इब्तिदा वहीं से होती है, इस तरह तरबियत हुई। हजरत खदीजा कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से आपका निकाह हुआ और उनकी उम्र है 45 साल, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त में 25 साल, और एक मशहूर रिवायत जो है उसके मुताबिक उनकी उम्र 40 साल, चलो हम 40 ही मानते हैं। 15 साल का फर्क, आप जवान हैं और वो बूढ़ी हैं। 45 से 50 तक तो आखिरी मेंसेस की इंतहा हो जाती है, उसके बाद औलाद होने की उम्मीद नहीं रहती। उनकी ये उम्र है, तमाम तर रिवायात आप तलाश कर लीजिए, हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ रजी अल्लाह अन्हा के साथ आपका कोई वाकया उस तरह का नहीं आता है कि आपने उनसे मजाक किया हो, उनसे दिल लगी की हो, उनसे कोई चीज छीनी हो मजाक से, उनके साथ आपने दौड़ लगाई हो, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि वो एक बड़ी उम्र की औरत है, आज की जबान में मैच्योर है, बड़ी उम्र की औरत है,
आपने अपनी उम्र का तकाजा नहीं किया, उनकी उम्र के तकाजे को पूरा किया, और उन्हीं की तरह जैसे उस उम्र के आदमी को जिन चीजों की जरूरत है, संजीदगी हो, वकार हो, मतानत हो, उसी तरह उनके साथ जिंदगी बिता दी। उसके मुकाबले में हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह हुआ तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र छोटी है, उनकी उम्र के लिए तकाजा है उनकी उम्र का, और आप भी उस वक्त में 62, आपकी उम्र उस वक्त में 52 साल है, 50 और 52 साल, 53 साल उम्र है जब उनकी रुख्सती हुई है, 53 साल की उम्र में ऐसे आपकी उम्र हो और इनकी ये उम्र, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ कैसी जिंदगी बताई। जब उनके साथ आप को जोड़ करके आप देखते हैं, यकीन मानिए कि बिल्कुल अगर ये बयान न किया जाए कि आपकी उम्र है, उसका ध्यान नहीं लगेगा कि आपकी उम्र ये है, बिल्कुल लग रहा है उन्हीं की उम्र आप है, 18-15 साल की। आप उनके साथ कभी दौड़ रहे हैं, आप उनके साथ खाना खा रहे हैं, तो कभी उनके हाथ से आप रोटी ले रहे हैं और जहाँ से वो खा रही थी वहीं से खा रहे हैं, कभी उनके हाथ से पानी का बर्तन ले रहे हैं, जहाँ से उन्होंने पीना छोड़ा वहीं से आप पी रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि कभी मुंह धोने में और उसमें भी आप उनसे पानी छीन रहे हैं, और वो फरमा रहे हैं दानी दानी या रसूल अल्लाह, मेरे लिए भी छोड़िए, मेरे लिए भी छोड़िए, और फिर दावत के लिए जाते हैं तो आप उनके साथ दौड़ लगा रहे हैं। अपनी उम्र का कोई तकाजा नहीं, उनकी उम्र का तकाजा। अल्लाह हू अकबर, कैसी तरबियत फरमाई। आज तो अक्सर लोग कहते हैं कि निभा नहीं होता है, इसलिए कि हम तो पंजाबी लोग हैं और कश्मीरियों से निकल वहाँ निकाह हो गया है, कैसे निभा करें। कश्मीरी कहते हैं नहीं अच्छु कोशर डोगर, कैसे निकाह इनके साथ निभा करें, इनके ये कल्चर, इनके ये काम। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बिरादरियों में निकाह फरमाए, लेकिन कैसे निभा कर दिखाया। अल्लाह एक जुमले से सारे झगड़े को खत्म। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा है, उन्होंने शिकायत की आपसे कि मुझे फना औरत ने ऐसा कहा और कहा, मुझे ये कहा कि देखो कि तुम्हारे खानदान का तो कोई मुसलमान भी नहीं हुआ है, और मेरे वालिद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने प्यारे और इतने करीबी दोस्त हैं, और मेरे भाई ऐसे हैं, और मेरे फलां रिश्तेदार ऐसे हैं, हम तो हुजूर के घर के लोग हैं, एक भी मुसलमान नहीं हुआ। हमने क्या फरमाया, तुमने उनको अच्छा जवाब क्यों नहीं दिया, उनको कहना चाहिए था कि मैं अकेली कायनात में वो औरत हूँ कि जिसका बाप मम्मी चाचा नबी शोहर नबी, मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ तो बाप नबी, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे चाचा हैं तो चाचा नबी और मेरे शोहर नबी, और हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा बड़ी उम्र की औरत है। किसी मौके पर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर आई, आपने कुछ हलवा वगैरह को इस तरह की चीज बनाई और उनको खाने के लिए कहा, और उन्होंने किसी बात पर नाराजगी होगी तो उन्होंने कहा मुझे नहीं खाना है, तो इन्होंने उनके मुंह के साथ हलवा मल दिया। आज की बात हम अपने एहतराम से देखते हैं, कहते इतने बड़े बुजुर्ग के सामने तुम ऐसी बदतमीजी की बात कर रही है, उन्होंने शिकायत की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मेरे साथ क्या किया है, आपने कुछ नहीं फरमाया, डांटा नहीं, डपटा नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। तरबियत के ताल्लुक से आखिरी बात अर्ज करता हूँ, मुझे बड़ा एहसास है आप मौजूद है, बात खराब करो, कैसे तरबियत की इंसानों का, किस तरह इंसानों के दिल जीते, वो गांव का आदमी। अब मैं और आप समझ सकते हैं, खास तौर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरादरी गांव में रहती है, तो जब शहर में आती है तो क्या उसका हाल होता है, यानी लोग उनके लिए क्या तसव्वुर करते हैं और वो क्या तसव्वुर लेकर आते हैं। शहर में नाक जो है मुंह की होती है, तो इसलिए जहाँ जैसे जय गंगा गए गंगा राम जहाँ गए गंगा दास, हम लोग गाँव वालों की नाक पत्थर की होती है, तो मूर्ति नहीं है, वो रहती रहती है, एक अपना मिजाज है, देख सकते हो उनको कोई एहसास नहीं मैं किस बड़े अफसर के पास जा रहा हूँ, छोटे के पास जा रहा हूँ, उनको वैसे ही हाथ में डंडा और वही सर के ऊपर पगड़ी उसी हिसाब से चलेगा, उसको नहीं कि भाई ये उसको पहले दिमाग में है मैं बड़ा आदमी, कौन सा बड़ा है, इसने कौन सा कमाल किया, गाँव का आदमी आया ऊंट पर बैठकर आया, मस्जिद नबी के शहर में आकर के ऊंट बांध दिया, हमारी मस्जिद में आकर कोई ऊंट बांधे गैर मुस्लिम क्या होगा, मस्जिद वाले क्या करेंगे, उसका हश्र क्या होगा, और मस्जिद नबी के शहर में नहीं बांधा ऊंट, मस्जिद के कोने में पेशाब करने बैठे, अभी मुलाकात भी नहीं हुई, पेशाब करने के लिए बैठ गए,
और सहाबा उनके दौड़े उनको मना करने के लिए कि क्या कर रहे हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांट मना फरमाया नहीं, पेशाब करते हुए उसी को बीच में रोक दिया जाए, उससे एक बीमारी लगती है। हम तो नुस्खाए शिफा लेकर आए हैं लोगों के लिए, बीमारों को शिफा देने के लिए आए हैं, बीमार करने के लिए थोड़े आए हैं। बुखारी की रिवायत है, आपने नहीं उसे कहा कि तुमने पेशाब किया इसलिए अब साफ करो इसको धो। इमाम बुखारी ने यह रिवायत वहाँ नकल की कि अगर कोई जगह को नापाक कर दे, पेशाब कर दे, तो उसको कैसे पाक करना है। उन्होंने बयान फरमाया कि किस्सा और फरमाया कि खाली आपने सहाबा से फरमाया तो बाल्टी पानी दो और इसके पीछे बहाव जमीन पाक हो जाएगी। पानी बहाया गया, जब जमीन सूखी तो पाक होगी। वो साहब पेशाब से फारिग हुए, ऊंट मस्जिद में बंधा हुआ सहन में, और मस्जिद के सहन में पेशाब कर रहे हैं, और फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और बड़ी बेअदबी कहेंगे अपने अंदाज से बात की, अय्यूको मोहम्मद, तुम्हें से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। आपने आगे बढ़कर फरमाया मैं हूं, बताओ क्या पूछना है। उन्होंने चंद सवालात किए इस्लाम के बारे में और अल्लाह ने उसी मौके पर उनको ईमान नसीब कर दिया। कलमा पढ़कर गए, दो बातें आप इस पर गौर करें, उनका तबसरा, एक तो ये कि ये गुनगुनाते हुए कुछ वापस जा रहे थे। आपने एक सहाबी से फरमाया सुनो ये क्या कह रहे हैं, वो गए लेकिन ऐसी बात सुना तो उनको इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी कि वो बोल नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे बताऊं कि ये क्या कह रहा है। अब मैं भी उस्ताद पढ़ाता हूँ और हर टीचर सोच रहे कि अगर हमारा कोई स्टूडेंट हम उसको कहीं यार गेट से बाहर देखो यार ये आदमी क्या कर रहा है, और वो वापस आकर के हंसे, हम क्या कहें, दांत दिखा रहे, मुझे पूछ रहा हूँ ये बंदर क्या कर रहा है, आगे से मुंह फाड़ रहा है, आपने इनको क्या किया, देखो तरबियत क्या है। जब वो वापस आए हंस रहे थे, आपने फरमाया अल्लाह तुझे हंसाता ही रखे और यही दुआ बन गई। आप किसी को हंसता हुआ देखो तो कहो अल्लाह तुझे हंसाता ही रहे, ये तो बताओ क्या कह रहा है। उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी अजीब बात कह रहे हैं, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा। आपने उन्होंने क्या क्या कह रहा है, भाई अजीब बात कह रहा है, अल्लाहुम्मा फिर ली वली अहमदा वला तगफिर सिवाना अहद, ये कह रहा है खुदाया मुझे भी बख्श दे और इनको भी बख्श दे जिनका नाम अहमद है और हम दो के सिवाय इनमें से किसी को नहीं बख्श दे, तो पेशाब भी नहीं करने देते। आपने उनको फिर वापस बुलाया और आपने फरमाया फरमाया कि ये जो हमारी मस्जिदें हैं अम्मा मसाजिद नहादा फला तयम्मल शैया मिला खबर, ये गंद नहीं इनमें हम करते हैं। काफिर पेशाब मार उसके बहुत दूर जाते हैं, इतना दूर जाते हैं पेशाब, अच्छा ये बात है। अभी तो बात समझ में आई, बीच में शोर भी चालू करके पेशाब भी कर देते हैं, लेकिन इनके दिल पर इसका क्या असर हुआ। वापस पहुंचे, अपना सारा कबीला जमा किया और उनसे कहा कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। लोगों ने कहा जी आप चौधरी साहब, आप खादिम साहब, आप गांव के बड़े आदमी हैं, आपके सिवा हमको कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, और आप जहांदीदा आदमी हैं, आपने तो बड़े बड़े बादशाहों की मजलिसें की हैं। तो कहा अगर मैं कोई तुम्हें काम करने के लिए कहूँ तो तुम्हारा क्या जवाब होगा। कहा हम आपके हुक्म पर लबैक कहेंगे। कहा मेरा तुमसे बात करना हराम है जब तक तुमने से एक एक शख्स कलमा न पढ़ ले। उन्होंने कहा हुआ क्या, उनकी तस्वीर सुना, आपको तो भेजा था हमने। अब उन्होंने पूरा वाक्य सुनाया और कहा कि जो इबादत खाने होते हैं उनको तो पाक रखा जाता है, मैं ऐसा बेवकूफ आदमी, मैंने ऊंट भी जाकर के सहन में बांधा और मैं सहन में पेशाब करने लग गया, लेकिन वमा सजा वमा नहा वमा कहा, उन्होंने डांटा भी नहीं मुझे, उन्होंने जिरका भी नहीं मुझे, उन्होंने मुझे भूला भी नहीं, इतने प्यार से बात की। उन्होंने कहा रब्बे काबा की कसम ये नबी के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ये सरवरे अंबिया के सिवा कुछ और हो सकते ही नहीं है। कैसे तरबियत की आपके अंदाज है, किस तरह इंसानों को जोड़ा और किस तरह हर एक के हुकूक दिलवाए। बात ये लंबी हो जाएगी, उसके लंबी करने से कोई फायदा नहीं, क्यों, इसलिए कि इसके पीछे एक ताकत है जो आपके इरशादात पर इंसान को अमल करने के लिए तैयार करती है।
जानता हूँ कीमत ज़ोहद और ताअत सभी, मगर वो शरीयत इधर जाती नहीं। हमसे और बहुत ज्यादा इबादत करने वालों से बहुत सारे लोग इबादतों की ज्यादा कीमत जानते हैं। वो समझते हैं फलसफा बयान कर सकते हैं, नमाज का क्या फलसफा है, रोजे का क्या फलसफा है, ज़कात का क्या फलसफा है, सुबह तहज्जुद के वक्त उठने का क्या फलसफा है, मगर फलसफी शाम को उठना नसीब नहीं होता है। ये क्या चक्कर है? वो बयान करेगा सुन्नतों पर अमल करने के ये फायदे और सुन्नतों पर अमल न करने के ये नुकसान आते हैं, मगर हजरत को क्यों नहीं अमल की तौफीक हो रही है? और ऐसे लोग सोचते सोचते कई दफा मर भी जाते हैं, मगर बस कल से पक्की तौबा, कल से तहज्जुद भी पढ़ूंगा, कल से जागूंगा। लेकिन वो ताकत कौन सी थी जो इंसानों को इन कामों पर अमल करने के लिए मजबूर करती? उनके पहलू बिस्तर से जुदा हो जाते और बिस्तर उनके लिए तरसते थे कि किसका बिस्तर बना दिया तो पहलू ही नहीं लगता इसके साथ हमारा, बिस्तरों से जुदा। यभी तू न लिरब्बिहिम सुजदम व क़ियामा, सारी सारी रात कभी सजदे में कभी क़याम में गुज़ार दिया। ताहम रुक्अन सुजदा, जब भी देखोगे इधर या तो रुकू में मिली या सजदे में मिली। वो कौन सी ताकत थी? वो ताकत थी हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक में इंसानों को आखिरत की अदालत का एहसास था और हर आदमी के दिल में ये फिक्र लग गई कि मैं कल के लिए कुछ करूं, वहां जाना है मुझे, जाए बगैर चारा जाए, वहां मैं लेकर के क्या जाऊंगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो वहां मुझे काम आएंगी। एक साहब ने मकान बनाया और उसकी ओपनिंग के लिए बुलाया और तो आप समझ सकते जब नया मकान बने तो आदमी किस तरह उसको सजाता है, किस तरह उसको बनाता है और फिर बच्चों के लिए क्या जरूरत है, वालिद साहब के लिए किस चीज की जरूरत है, मुझे किस चीज की जरूरत है, एक ही चीज बनाता रहता है। तो मुझे वो देख कर के थोड़ा सा ख्याल आया कि भाई यहाँ से जाना भी है, तो मैंने उनको तो नहीं कहा लेकिन मैंने दुआ में अल्लाह से मांगा कि खुदाया ये घर तो हमने बना लिया, मगर जिस घर में जाना जरूरी है उसके बगैर तो जा रहा नहीं, वहाँ तो टाइलें भी नहीं लगी, वहाँ तो मरमर भी नहीं बिछा और वहाँ तो खिड़कियां भी नहीं लगी, वहाँ तो ऊपर से बंद कर दिया जाएगा। आदमी कभी तसव्वुर में सोचे कि वहाँ के लिए हमने क्या जमा किया है? ये वो फिक्र इंसानों को लगी जो इंसानों को फिर इसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार करती थी। और आपका जलसा भी इसीलिए है, अल्लाह हम इसकी फिक्र नसीब करना। या अय्युहल लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुन मा क़द्दमत लिग़द तक़ुल्लाह, ऐ इंसान अल्लाह से डर और हर आदमी हिसाब लगाए कि एक दिन आज का गुज़र या शायद कल का कब्र में आ जाए और रात गुज़री पता नहीं सुबह कब्र में आए और दिन गुजरा शायद रात कब्र में हो, उसके लिए क्या जमा किया है? वहाँ तो कोई साथ जाएगा, वहाँ तो शिरकी नहीं है, वहाँ तो आमाल साथ जाएंगे। हमारे हिंदी बोलने वाले कहते हैं कि जीवन साथी और उर्दू वाले कहते हैं रफीका जिंदगी रफीका हयात, बीवी के लिए शोहर शोहर के लिए बीवी। लेकिन बड़ी अच्छी बात की जीवन जिंदगी है, जिंदगी में साथ दे, यहाँ तो साथी है जीवन साथी, लेकिन वो मर्म साथी कौन सा तैयार किया? कब्र के लिए साथ जाने के लिए कौन है? वहाँ तो जाएगा ये भी नहीं जाएगी, ये तो गेट पर ही अलविदा कहेगी, बच्चियाँ भी गेट पर ही अलविदा कहेंगी और दोस्त अहबाब मर्द हजरात हिम्मत करके कब्र तक पहुँचेंगे, लेकिन फिर यारों को यार बन जाएंगे, एक हम हैं फिर तो एक खाक सो जाएंगे। ये ऐसी फिक्र लगाई कि फिर इंसान को दूसरे के निकट का ख्याल हो गया, अल्लाह के हुकुम का ख्याल हुआ, कब्र में तो अकेला जाऊंगा। इन्नल्लाह अलीम इन्नल्लाह खबीरुन बिमा तअमलून, और ये भी याद रखो कि तुम्हारा कोई काम अल्लाह से छुप नहीं सकता, सब कुछ उसके सामने है। अल्लाह ताला हमें उस दिन के लिए तैयारी की तौफीक अता फरमाए और कुछ वहाँ के लिए चलने की तौफीक अता फरमाए, वहाँ जाए बगैर चारा नहीं और वहाँ पहुँचे बगैर चारा नहीं, और यहाँ की ये हवा और यहाँ की खिड़कियाँ और यहाँ की टाइलें और यहाँ की मरमत ये तो वहाँ लगेंगे नहीं, वहाँ तो जन्नत की खिड़की खुलेगी। कबर जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है, ये जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी है, जन्नत की तरफ से खिड़की
جس طرح ہمارے لیے کھل جائے اللہ ہم کو اس کی فکر نصیب فرمائے. جب اس کی فکر نصیب ہوگی اور جب دوسروں کے حقوق کا خیال ہوگا تو پھر ہر انسان کا خود بخود تربیت ہونے لگے گی کہ میں کوئی ایسی زیادتی تو نہیں کر رہا ہوں کہ جو میرے لیے کل قبر میں بوجھ بن جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.